हेलो व्यूवर्स, हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है सीख कबाब। आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो सीख कबाब बनाने के लिए मैंने ये हाफ के जी मटन का गोश्त लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है। और हम बना रहे हैं मटन के कबाब। आप सेम प्रोसेस से बीफ के कबाब भी बना सकते हैं और चिकन के कबाब भी आप सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद ये हमने ऐड किया है नमक। नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टीस्पून गर्म मसाला। गर्म मसाले में भी दालचीनी पिसी हुई होती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी अलग से डाली है क्योंकि इसका टेस्ट सीख के कबाब में बहुत अच्छा लगता है। 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया। धनिया का आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन धनिया को अगर आप थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप पाउडर ऐड करना चाहें तो पाउडर भी कर सकते हैं, और अगर आप कूट कर कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। ये हमने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून चने का पाउडर। एक प्याज हमने ली है मीडियम साइज की बारीक कटी हुई। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। बस इन सबको हमें अच्छे से अब मिक्स कर लेना है। और हाँ, आपको इसमें 1 टीस्पून कचरी का पाउडर भी ऐड करना है। कचरी के पाउडर से कबाब सॉफ्ट बनते हैं। कचरी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें पपीते का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो सभी चीजों को हम मिक्स कर चुके हैं, तो पेस्ट हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए। लेकिन अभी हमें इसमें एक चीज और ऐड करनी है, और यह है बटर। मैं यहाँ पर बटर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो बटर को भी हम पेस्ट के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कबाब का पेस्ट तो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें कबाब की शेप देनी है। तो शेप देने के लिए हमने ये स्टिक ली है, सिल्वर स्टिक है ये, और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। साइज के हिसाब से हम पेस्ट लेंगे और स्टिक पर लगाएंगे। इस तरह से करते हुए पेस्ट को हमें स्टिक पर सेट कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो सेम इसी तरह से आपको अपने सभी कबाब तैयार कर लेने हैं। कबाब बनाएंगे हम गैस पर, और मैंने ये प्लेट जो आप देख रहे हैं ना, ये गैस पर सेट कर दी है। एक्चुअली ये तंदूर ही है, लेकिन ये गैस का तंदूर है। इस पर ना कबाब बहुत आसानी से सिकते हैं और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। चले हम गैस फ्लेम सबसे पहले ऑन कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने प्लेट को हाई फ्लेम पर रखा है। प्लेट गर्म हो गई है, तो अब गैस फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। और गैस फ्लेम मीडियम करने के बाद ना, हम प्लेट को पहले ग्रीस करेंगे। ये हमने प्लेट पर ऑयल लगा लिया है। प्लेट को ग्रीस करने के बाद जो हमने कबाब तैयार किए थे ना, वो 1 बाय 1 कर हम प्लेट पर रखेंगे। थोड़ी देर बाद ना हम कबाब की साइड चेंज करेंगे, और साइड चेंज करने से पहले आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें। मैं यहाँ पर ऑयल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे प्लेट में ऑयल दिख रहा है, तो मैं ऐसे ही कबाब की साइड चेंज कर दूंगी। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ना कितना अच्छा ग्रिल मार्क आ रहा है, और कलर भी कितना अच्छा है। अब मैं कबाब पर ना थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूंगी। ये देखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपको ऑयल लगा लेना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें इनकी इसी तरह से साइड चेंज करते रहना है, लेकिन ये ध्यान रखना है बार बार ऑयल अप्लाई नहीं करना है। शुरू में बस आप एक ही बार ऑयल अप्लाई करें, वही काफी है। जब आप कबाब की 4-5 बार साइड चेंज करेंगे ना, तो आपके कबाब बहुत अच्छे सिकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, गैस फ्लेम मीडियम हो और साइड आपको 4-5 बार चेंज करनी है। और ये देखिएगा, हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने जो ये कबाब बनाए हैं ना, ये सिल्वर स्टिक पर बनाए हैं, लेकिन अगर आपके पास में वुडन स्टिक है तो आप उस पर भी ये कबाब बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने भी थोड़े से कबाब वुडन स्टिक पर बनाए हैं। ये कबाब भी बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी इस तरह से कबाब ज़रूर बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अपना एक्सपीरियंस मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।